हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर मोहन एंड वेलकम टू माय चैनल। यह हमारा एपिसोड नंबर 22 है और इस एपिसोड में हम बात करने वाले एक जानी मानी स्किन डिजीज के बारे में जिसे आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिंपल्स के बारे में। पिंपल्स क्या होते हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो पिंपल्स को कम्प्लीटली क्योर करेंगी। जो रिअकरेंट पिंपल्स होते हैं उससे भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कुछ मेडिसिन हम आपको उसके लिए भी बताएंगे। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिंपल्स जो है वो व्हाइट हेड में भी होते हैं और ब्लैक हेड्स में भी होते हैं। इसके जो कॉज होते हैं, मेन कॉज एक ही है कि प्यूबर्टी एज, यानी कि जब ग्रोइंग एज होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनमें हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं तब पिंपल्स होते हैं। हमारे स्किन पर, स्पेशली चेहरे पर जो सेबेशियस ग्लैंड होता है, यानी कि जो ऑयल सिक्रेट करता है, वो भी उस पीरियड में ज़्यादा एक्टिव होता है। और कोई कारण से अगर जो सेबेशियस ग्लैंड है उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो वहाँ पर एक पस फॉर्म होने लगता है और वहाँ बैक्टीरिया इफेक्ट करता है। इसे कहते हैं पिम्पल्स। बहुत सारे लोग पिम्पल्स से परेशान होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट आजमा के थक चुके होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पिंपल्स ठीक होने के बाद में वापस रीअकर होते हैं। तो इस एपिसोड में हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाले हैं जो कि आपके पिंपल्स को कम्प्लीटली क्योर करेंगी, और एक मेडिसिन ऐसी है जो रीअकरेंट पिंपल्स को भी कम्प्लीटली ख़त्म करेंगी। सबसे पहले मेडिसिन है पल्सिटिला 30। अगर कोई लेडी है, उसके पीरियड एम्प्टी है और थोड़ा वजन बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, अगर उसे पिंपल्स हो गए हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है पल्सिटिला। इससे दो दो बूंद डायरेक्टली टंग में लेना चाहिए सुबह और शाम खाना खाने के बाद में। दूसरी मेडिसिन होती है एस्टेरियस। अगर एकदम मोटी गांठ जैसे पिंपल्स आने लगे, लम्स जैसे, और हार्ड वहाँ पे महसूस होता है पिंपल्स पे हाथ लगाने पर, इस तरह के अगर पिंपल्स हैं तो एस्टेरियस बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसे 30 पोटेंसी में लेना चाहिए सुबह और शाम डायरेक्टली टंग में दो दो बूंद करके। तीसरी मेडिसिन है हिपरसल्फ। ये 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। अगर पिंपल्स में पस हो और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो तो हिपरसल्फ बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके दो दो बूंद लेने चाहिए सुबह शाम डायरेक्टली टंग में। चौथी मेडिसिन है काली ब्रोमेटम। ये 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, दो बूंद डायरेक्टली टंग में सुबह और शाम। अगर यंग बॉयज और गर्ल्स को एक्नी हो रही है या पिंपल्स हो रहे हैं तो ये मेडिसिन उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कुछ ही दिन में एक्नी कम्प्लीटली क्योर हो जाएंगी मेडिसिन लेने के बाद में। पांचवी मेडिसिन है इचिनेशिया। ये एक मदर टिंचर है। अगर आपने पिंपल्स का ट्रीटमेंट किया हो और आपके पिंपल्स पूरी तरीके से साफ हो गए हो और कुछ दिन बाद फिर से आ गए हो और ऐसे बार बार होता हो तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके 20-20 बूंद आपको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आधे कप पानी में लेना है और कुछ 1 या 2 महीने तक के आपको कंटिन्यू ये मेडिसिन लेना होगा। हमारी अगली मेडिसिन जो है वो एवरग्रीन मेडिसिन है। आपके सिम्टम्स मैच हो या ना हो, इसे आप एक्सटर्नली यूज करते हो। ये क्रीम के भी फॉर्म में आता है और मदर टिंचर के भी फॉर्म में आता है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप मदर टिंचर फॉर्म में से यूज करें। इसके 20 बूंद आपको लेना है कुछ पानी में और डायरेक्टली चेहरे पर मसाज करना है कुछ 1 या 2 मिनट के लिए, और ऐसे आपको दिन में 2 या 3 बार करना है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसी तरह की बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपके एक्ने को कम्प्लीटली क्योर करेंगे, और जितने स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे और वो सिम्टम्स के मुताबिक आप मेडिसिन लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.drmohinke.com पर विजिट कर सकते हो, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। वहां विजिट करने पर आप कंप्लीटली समझ जाओगे किस तरह से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस एपिसोड में बताए गए मेडिसिन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हो, हम आपको इंस्टेंटली उसका आंसर देंगे। एक्ने की मेडिसिन लेने के साथ साथ में कुछ परहेज आपको करना होगा। फ्राइड फूड, ज़्यादा स्पाइसी फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरह के खाने आपको अवॉइड करने होंगे। इस तरह के खाने से आपको कुछ दिन के लिए बचना होगा। साथ ही साथ में आपको आपके फेस का ख्याल रखना होगा। नीम फेस वॉश आता है, हिमालय कंपनी का आता है, बहुत अन्य कंपनी के आते हैं, आप वो यूज़ करें। मिनिमम 2 से 3 बार आप उससे चेहरा धोए तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। फ्रेंड्स, अभी हमारे एपिसोड स्किन डिजीज पर आ रहे हैं। अभी स्किन डिजीज की एक सीरीज चल रही है,
अगर आपने हमारा कोई भी स्किन डिजीज का एपिसोड मिस किया हो तो यहाँ आई बटन है, उसे क्लिक करके आप वो एपिसोड्स देख सकते हो। गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और लेटेस्ट एपिसोड्स की अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।